अकेले जाने मिला और ये उसकी बदकिस्मती है कि वो वहां नहीं पहुंचे और उसका ना बोल, क्योंकि वो लोग झूठे एक नंबर के हैं, वो शैतान के बच्चे हैं, शैतान के बच्चे हैं, झूठे एक नंबर के हैं, इसलिए उनका बुलावा नहीं आ रहा। शैतान के बच्चों के बारे में मुझे कुछ ना पूछा जाए। खुदा ने मुझे ऐसे ही पैदा किया है और खुदा मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। खुदा को डॉक्यूमेंट्स की और नाम चेंजिंग की जरूरत नहीं है। अरे चलो 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 राखी काफी एलिगेशन लग रहे हैं, 200 करोड़ का डिफेमेशन केस भी लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्योंकि आप इंडिया में काफी दिनों से नहीं थे तो आपके पीछे 200 करोड़ का डिफेमेशन केस लग रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी उम्रा करके आई और पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाप जगह पर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ड्रामा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। ये क्या खराबी थी जो इस्लाम पकड़ लिए हो, क्या खराबी थी? हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं, तो आपको पिछले एक साल से मैं हूँ, एक साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं, तो ये तो मेरा, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था मक्का मदीना। और बस सफर कैसा रहा, सफर कैसा रहा? खालिद मामू और वाहिद भाई जब जामा मस्जिद गए थे पहली बार, जब रिजेक्ट कर